ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज का विषय बहुत ही गंभीर है और आज हम शास्त्री जी से सीधे सीधे चर्चा करेंगे। जब मेरा प्रोग्राम टीवी पे आता था तो एक दिन का, एक प्रोग्राम का हमें 3,000 से 5,000 रुपये मिलते थे और हमारा प्रोग्राम News24 चैनल साधना, ईश्वर, देवम, देवदूत, लक्ष्य, कर्तव्य पे आ चुका है। लेकिन जब हमें ये पता चला कि इस कार्यक्रम को देख के हजारों कॉल आते थे और उन कॉल को लोग अटेंड करते थे और वहाँ पे सामग्रियाँ भेजते थे 2100, 3100, 5100 की, तो हमने एक कार्यक्रम करना बंद कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। जो लोग कहते हैं कि पैसे के लिए लालची हैं, तो हमारा क्या जाता था, आधे घंटे का समय प्रोग्राम शूट कर दो, 3,000 से 5,000 ले लो, ऐसे 2-3 संस्थानों को के लिए शूट कर दो, आराम से मस्त से 2-3 लाख रुपए महीने घर पे आता। ये चीज़ तुम भी समझते हो, तुम्हारे भाई भी समझते होंगे और बाकी सब लोग भी समझते हैं कि मीडिया पे आने का, किसी संस्थान के माध्यम से पैसा दिया जाता है, पैसा मिलता है, ये बात सत्य है और हमें भी मिल रहा था, लेकिन हमें सच्चाई नहीं पता थी। तो पहली बात, अगर कोई ये कहता है कि धन के लिए काम कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि हमने जीवन में त्याग किया है। हम YouTube पे आए थे एक बड़े उद्देश्य के साथ, लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं और हम चाहते थे कि लोग प्रभु श्री राम के जीवन से सीख लें और अपनी समस्याओं का सामना करके पार हो जाएं। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र ही ऐसा था कि उनके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई थी। हम एक बड़े उद्देश्य के लिए आए थे, लेकिन जैसा कि हम पिछले वीडियो में कहे थे कि तंत्र एक दलदल है, यहाँ या तो व्यक्ति तर जाता है या तो मर जाता है। हमारा उद्देश्य अलग था और हम दिशा भटक गए, अलग आ गए। खैर, देर से आए दुरुस्त आए, तंत्र साधना हमारा जीवन है और प्रभु श्री राम हमारा जीवन के लक्ष्य हैं, तो तंत्र साधनाएं भी हम कराएंगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और लोगों को सही मार्गदर्शन भी देंगे, परंतु एक सही दिशा से। कल अयोध्या जी जा रहे हैं, वहाँ से विंध्यवासिनी हमारे कुलदेवी के यहाँ जाएंगे, 10 दिन वहाँ रहेंगे, 10 दिन तक वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे में एक परंपरा है, कल्प वास करते हुए, गया जी जाते हुए या तो नवरात्रि से पूर्व हम लोग जाने अनजाने में हुए सभी अपराधों के लिए प्रकृति से और मनुष्यों से क्षमा मांगते हैं। तो आपके विवर और जितने लोगों की भावनाएं अगर हमारे माध्यम से आहत हुई हो, तो हम अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए सबसे क्षमा मांगते हैं, ठीक है? क्योंकि क्षमा मांगना, क्षमा करना और धन्यवाद देना, यही एक संस्कारित व्यक्ति के लक्षण हैं। बात रही शोधने की, चलिए जाने दीजिए, अब आपके किसी साधना पे चर्चा करना भी बेकार है, जो आप कर रहे हो करो, ठीक है? तो एक खुशखबरी है सबके लिए, हमारे पास पुरानी किताबों का जो तंत्र शास्त्र प्रमाणिक है भंडार है, लगभग 4,000 किताबें हैं, क्योंकि चाहे आपके शिष्य हों, चाहे हमारे शिष्य हों, चाहे जो कोई भी हो, बगैर ज्ञान के सिद्धियाँ नहीं प्राप्त कर सकता है। जो हमें अच्छा बोले हैं, बुरा बोले हैं, सबके लिए हम इन किताबों को खोल रहे हैं निःशुल्क। इसमें प्रथम महाविद्या काली के 12 चरणों की साधना है, काली साधना में कितनी उनकी सहेलियों की साधना करनी चाहिए वो भी है, कितने भैरव की साधना करनी चाहिए वो भी है, कुलाड़व तंत्र है, संकुचलिनी तंत्र है, कामाख्या तंत्र है, हनुमान तंत्र है, परशुराम तंत्र है, बहुत सारी किताबें हैं, शिवमुखी तंत्र है जो आगम निगम है, बहुत सारी किताबें हैं। तो जितने आपके विवर हैं, अन्य गुरुओं के विवर हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग साधना करो, कहीं से भी करो, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके साधना करो। तो ये किताबें हम आप लोगों को निःशुल्क देंगे, इसका PDF बना के। तो जिन जिन लोगों को तंत्र में रुचि है, साधना में रुचि है और शक्तियों की वास्तविकता को जानना है, वो हमें व्हाट्सअप करके किताब ले सकते हैं। और ये किताबें कोई आज की नहीं हैं, 55-60 साल से लेके 200-300 साल पुरानी किताबें हैं, ठीक है?
और दूसरी बात, फिर राम जी के दरबार में जा रहे हैं, सरलता, सौम्यता, धैर्य, मर्यादा, संस्कार, ये राम जी के भक्तों के गुण हैं, क्योंकि जो जैसी संगत करता है वैसी रंगत पाता है। तो हमारी सरलता को कोई हमारी कमजोरी न समझे, क्योंकि हमारी सरलता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और रही बात पैसे की, कुछ लोग कर रहे हैं, हमने चैनल मोनेटाइज तक नहीं किया है, जबकि हमारा मोनेटाइजिंग में आ गया था 24-25 दिन के अंदर ही। तो धन की हमारे पास कमी नहीं है। अगर आप लोगों को लगता हो कि धन के लिए, धन की कमी नहीं है। अगर धन ही कमाना होता तो सुबह से लेकर शाम तक 4 चैनलों पे आते और 3,000 से 5,000 एक चैनल से लेते और महीने का फर्स्ट क्लास 3-4 लाख रुपए लेते और जो आप बोलते थे ना पान खा के बैठे रहते। लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को सही ज्ञान मिले। हम राम कृष्ण की परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं। हम प्रभु श्री राम के ऊपर एक सीरीज बनाना चाहते हैं, जहाँ पे लोगों को ज्ञान मिले, आत्मविश्वास बढ़े कि जीवन में हर चीज़ शक्तियाँ ही नहीं होती हैं, धैर्य, मर्यादा, लगातार प्रयास आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। हम कृष्ण के जीवन चरित्र के साथ कृष्ण का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा पिछले वीडियो में कि तंत्र एक दलदल है, यहाँ पे व्यक्ति या तो तर जाता है या तो मर जाता है। हम आए थे चुनौतियों से लड़ने, फंस गए चूचक्कर में, और ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हम शिवमुखी साधना कराएंगे, ऋषियों की मुखी साधना कराएंगे, वेद के ऊपर ज्ञान देंगे, उपनिषदों के ऊपर ज्ञान देंगे, राम के जीवन चरित्र को योग वशिष्ठ रामचरितमानस, आनंद रामायण और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से बताएंगे और गीता का सही विश्लेषण करेंगे और सही जानकारी आप लोगों को देंगे। और फिर एक बार यदि हमारे माध्यम से किसी की भी भावनाएँ आहत हुई हो तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि क्षमा मांगना बड़प्पन की निशानी होती है बिना किसी दबाव के। अगर किसी ने हमारे इस क्षमा मांगने को दबाव समझा हो तो अस्पष्टता से बता दे रहे हैं ये दबाव नहीं है। और रही बात शोधनी की, हाँ बात सही है, शोधनी वासा जी के दिमाग की उपज है, और जो हमने माता विंध्यवासिनी की शक्तियों से देखा, एक बालिका रूप में डायन है, न तो इनके पिता कौन से यक्ष हैं आप बता सकते हो और न तो माता इनके कौन सी अप्सरा हैं ये भी बता सकते हो, ये भी हमें पता है। कीजिए अपना धंधा जैसे करना है कीजिए, हमें लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी सरलता को कमजोरी न समझें, क्योंकि हमारे पास मुसलमानी तंत्र, नूरी, जिन बहुत सारे तंत्रों की पुस्तकें पड़ी है, हम सार्वजनिक कर देंगे तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। फिर वापस से बोल रहे हैं कि आपके जितने भी शिष्य हैं जो हमारे वीडियो पे आके गलत कमेंट करते हैं, वो बच्चे हैं, नादानी किए हैं, वो हम समझ रहे हैं। प्रभु श्री राम उनको ज्ञान और सद्बुद्धि दे, क्योंकि ऐसी अवस्था में ऐसी चीज़ें होती हैं। और आपके भी कोई शिष्य है, कोई मुझे बड़ा भला बुरा भी कहा है, वो भी अगर हमें व्हाट्सअप करेंगे किसी तंत्र शास्त्र को प्राप्त करने के लिए, तो हम उन्हें भी अवश्य देंगे, क्योंकि हमारी नज़र में सब सनातनी हैं और हमारी नज़र में वेद ही अंतिम सत्य है, इसलिए हम भेदभाव नहीं करेंगे। आपके भी कोई शिष्य अगर आके कोई तंत्र शास्त्र मांगना चाहते हैं, कुलाल तंत्र, काली तंत्र, परशुराम तंत्र, इंद्रजाल, बृहस्य दुकुंज का स्रोत, तो हम आप सबको भी देंगे, क्योंकि हमारी नज़र में कोई भी भेदभाव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।